नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमन यादव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से। पूरे देश के अन्नदाता जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जो देश के अन्नदाता, जिसे खेत पर होना चाहिए और वो खेत पर ना होकर सड़कों पर अथॉरिटी के गेट के बाहर अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, आखिर क्या वजह है? इस पूरे मामले को लेकर हम लोग ग्रेटर प्राधिकरण के सामने बैठे हुए हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले 20 जनवरी से लगातार यहाँ पर किसान भाई पंचायत कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन प्राधिकरण द्वारा इनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिलाया जाता है, इनके जो मांगे हैं उन पर निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। हमारे साथ ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक मुहिम छेड़ रखी है और किसान भाई के हकों की लड़ाई के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या मांगे हैं आपकी और क्या बातें हुई हैं? मेरा नाम सुनील फौजी है और हमारे किसान अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर लगभग एक दर्जन संगठन मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसमें जय जवान जय किसान मोर्चा है, किसान एकता संघ है, देहात मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन के कई गुट हैं और अखिल भारतीय किसान सभा, ये सभी मिलकर के और उसके साथ में करप्शन फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, हिंद समाज सेवा समिति, कई संगठन इसको मिलकर चला रहे। और हमारी मांग ये है कि जो देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो कि 1 जनवरी 2014 से देश में लागू हो गया था, उसके लाभ सभी किसानों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में इसके लाभ नहीं दे रही है। खासकर वेस्टर्न यूपी के जो हमारा इलाका है, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, इसमें ज़मीन ज़्यादा अधिग्रहित की जाती है और उस ज़मीन को जो बहुफसली ज़मीन है उसको ये यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो वहाँ पर आवासीय परिसर बना रहे हैं, तो जो ज़मीन ये अधिग्रहित करते हैं उसके लिए लॉ बना हुआ है, उसको फॉलो ना करके ये सीधे बैनामे करा रहे हैं और उसमें रेट भी उचित नहीं तय कर रहे हैं, अपनी मर्जी से एक रेट दे दिया, उसी में शोषण कर रहे हैं। तो लगातार हमारी ये मांग है कि नए अधिग्रहण कानून के अंतर्गत जो बाजार दर का 4 गुना मुआवजा है, जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, 20% प्लॉट है वो मिलना चाहिए, जो जितने हमारे भूमिहीन हैं, गरीब हैं या जो किसानों के बच्चे हैं, सबको रोजगार मिले। सर, बीच में बात छेड़ रहा हूँ, अधिकारी कह रहे हैं कि सर्कल रेट तो पिछले 2015 से बड़ा ही नहीं है, तो हम मुआवजा बड़े दर से कैसे दे सकते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि दो चीज़ है कानून के अंदर, जो धारा 26 है नए अधिग्रहण कानून की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि या तो बाजार दर अधिक हो और या फिर सर्कल रेट अधिक हो, जो अधिक होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो सर्कल रेट को कई बार सरकारें या जिलाधिकारी अपने स्तर पर, क्योंकि उनको ज़मीन लेनी है तो बढ़ाते नहीं है, जैसे हमारे ही जिले में पिछले 8 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो बाजार दर है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बढ़ती रहती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, मेट्रो जैसे अब आप देख रहे हैं यहीं पर आ गई है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें ये अथॉरिटी का कार्यालय भी बाद में बना है, तो हम देखेंगे कि डेवलप होते रहते हैं और इसीलिए बाजार दर बढ़ जाती है। तो बाजार दर जो है वो हमारे यहाँ की कम से कम अभी जो इन्होंने खुद ने रेलवे में 2534 तय करी थी, उसके अनुसार हमारा 4 गुना 1 करोड़ से ऊपर रेट बनता है, लेकिन मात्र 3500 रुपये मीटर का रेट देकर बैनामा करा लिया और ना ही कोई रोजगार है ना कोई पुनर्वास है, जबकि नए कानून की धारा 46 में लिखा है कि यदि बैनामे से भी जमीन लेंगे तो नए कानून के सारे लाभ देंगे आप, तो वो लाभ नहीं दे रहे हैं, इस बात के लिए हम यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको सरकार की तरफ से या अथॉरिटी के अधिकारों जी? हमारी कल रात वार्ता हुई थी, उसमें जिलाधिकारी और यहाँ पर सीईओ जो यहाँ प्राधिकरण के वो और कमिश्नर जो हमारे यहाँ के पुलिस के हैं उनके साथ हुई थी और उन्होंने ये भरोसा दिया है कि क्योंकि हम इस स्तर पर रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम शासन स्तर पर आपकी वार्ता कराएंगे, तो हमने यही कहा है कि जिस स्तर पर भी समस्या का समाधान हो। तो अभी 23 तारीख को सतीश महाना जो कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं प्रदेश के, उनके साथ हमारी वार्ता लखनऊ में होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता होनी है। हम ये लगातार कह रहे हैं कि कानून में लिखा है आप हमें चक्कर मत कटाइए, आप हमें मुख्यमंत्री तक जहां से भी समाधान हो समाधान करिए, अगर समाधान नहीं करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन उसके बाद मार्च के महीने में करेंगे। बिल्कुल, अब ये जो बैठक है ये पंचायत एक निर्णायक दौर पर जा रही है, इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए मीर सेना के नेता भी आए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा जी, क्या कहना है आपको इस धरने को लेकर और प्राधिकरण क्यों नहीं सुन रही? प्राधिकरण को इस धरने की
बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। 20 दिन से लोग परेशान हैं, माताएं बहनें इतनी अधिक संख्या में आ रही हैं। मिहिर सेना ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कल ही परसों डीएम साहब के यहाँ पर एक विज्ञप्ति दी है और ये कहा है अगर अथॉरिटी के लोग नहीं सुनते हैं तो मिहिर सेना उनके खिलाफ FIR करके आंदोलन करेगी, उन पर मुकदमा दायर करेगी। जो इन्होंने नियम लागू करे हैं उनको लागू करना चाहिए, उनके अनुसार इनकी सुननी चाहिए। इन्होंने किसानों को बिल्कुल मजबूर कर दिया है, पता नहीं किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। गांधीवादी तरीके से बिल्कुल शांत तरीके से ये लोग धरना दे रहे हैं, किसी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी सुनने को नहीं आ रही सरकार। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं सर, लगातार प्राधिकरण के अधिकारियों से यहाँ के किसानों कई वार्ताएं हो चुकी हैं, अब 23 फरवरी को बुलाया है, क्या लगता है कि ये जो 23 फरवरी की मीटिंग होगी कितनी निर्णायक रहेगी? 23 फरवरी की जो मीटिंग होगी वो मेरा और मेरी पार्टी का ये मानना है कि शायद प्राधिकरण मान जाए किसानों की बातों को, अगर नहीं मानेगा तो फिर आगे और आंदोलन होगा, किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलित हैं और करते रहेंगे, आखिर वो अपना हक मांग रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं सर, मनीष जी हैं, कई बार आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए शुरुआती दौर से, क्या लगता है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी आश्वासन दिया है 23 फरवरी को लखनऊ में वार्ता करेंगे, मंत्री जी मानेंगे? मैं आपको अवगत करा देना चाह रहा हूँ बड़े भाई, यहाँ पे 22-23 दिन से जो लगातार आंदोलन चल रहा है केवल वादा हुआ है, धरातल पर कार्य नहीं हुआ है। धरातल पर कल इनको लगा कि आज DMICC का काम रोका जाएगा, शाम को 7 बजे से 11:30 बजे तक वार्ता चली, इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि कैसे भी करके यहाँ पे मतलब काम मत रुकाओ, हम आपकी वार्ता कराएंगे, हम आपकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे, आपके लिए वो करें। लेकिन मैं जब चीज़ मानूंगा जब हमारे कोई चीज़ पल्लू में आ जाएगी, वैसे नहीं, कहने में करने में बहुत अंतर है। इन लोगों की जो तानाशाही है, लेकिन जो आंदोलन है ये ईमानदारी का आंदोलन है, दशा और दिशा ये दोनों तय करके उठेगा। किस मंत्री से मुलाकात होगी वहाँ पर? सतीश महाणा जी, औद्योगिक मंत्री जी। उम्मीद है पूरी आपको? हमको उम्मीद जब समझेंगे जब कोई चीज हमारे पल्लू में आ जाएंगी, कहने में और कथनी में इनकी में बहुत फर्क है। लगातार प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलता आ रहा है, जिससे लोग अब ये समझ चुके हैं कि यहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए लिहाजा लखनऊ में महाणा जी के सामने इनकी वार्ता होगी। अगर उनके द्वारा बात की जाएगी तो वो अगर अपनी बात को, किसानों की बात को रखते हैं और उनकी मांगों को मानते हैं तो ये आंदोलन खत्म कर देंगे, नहीं तो ये आंदोलन अभी और आगे जारी रहेगा। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।